देख रहे हैं बस्ती टाइम और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। निमेड़ा से नया गांव जाने वाला सड़क मार्ग हुआ गड्ढों में तब्दील। सड़क पर भरा गड्ढों में पानी व कीचड़। निमेड़ा से नया गांव जाने वाली सड़क मार्ग पर रास्ते में भरा कीचड़, गंदे पानी से आमजन परेशान। फागे उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत निमेड़ा से नया गांव जाने वाले रास्ते में बारिश का पानी भरा रहने व कीचड़ फैलने से ग्रामीणों को पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण रामतार सैनी लल्लू खान ने बताया, पहले सड़क बनी हुई थी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। गांव के मुख्य रास्ते में बारिश का गंदा पानी जमा हो गया। पानी की निकासी न होने से महीनों तक पानी जमा होने से कीचड़ व गंदे पानी से लोगों अपने ग्राम पंचायत में कामकाज के लिए और बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए इस कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। रास्ते के हालात ऐसे बने हैं कि लोगों को पैदल रास्ता पार करना अब सांसें फूल जाती हैं और फिसल कर जख्मी होने का डर बना रहता है। रास्ते से मवेशियों को जंगल में चराने के लिए अधिकतर इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाने से उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार इन गड्ढों में गिरकर चोटीले हो जाते हैं जो ट्रैक्टर में बैठा कर स्कूल में छोड़ने को मजबूर है। उनका कहना है, जल्द से जल्द सड़क मार्ग के गड्ढों को सही नहीं करवाया तो हम पंचायत समिति के सामने धरने पर बैठ कर प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। बच्चे भी खूब पानी आते जाते हैं और खासे दो चार बच्चे के भी गए, मैंने पकड़ के उठाए। सरपंच है ये कुछ भी नहीं बोलता है और मैं सरपंच को गाड़ी भी बढ़ता हूँ।